शहर में चोरी व लूट की जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसा ही एक लूट का मामला सामने आया है जहां कुछ बदमाशों ने राहगीरों के मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके चलते पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से मोबाइल फोन और एक 2-व्हीलर वाहन बरामद किए गए हैं। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक से इलाके में घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़कर थाने लेकर पहुंची। जब आरोपियों से पुलिस ने सख्त होकर पूछताछ की तो दोनों आरोपी ने अपना नाम अजय और अमित बताया। दोनों आरोपियों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों ने नेहरू नगर में हुए मोबाइल लूट की वारदात को कबूला है। वहीं पुलिस ने मोबाइल खरीदने वाले एक आरोपी भूपेंद्र नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और न्यायालय से आरोपियों को 2 दिवस के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार कई बड़े खुलासे होने की संभावना बताई गई है। हमारे यहाँ पर एक अपराध कायम हुआ था मोबाइल लूट का, जिस पर से हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक अजय और अमित है, ये मोबाइल छीनते थे और भूपेन नामक व्यक्ति को ये मोबाइल बेचते थे। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ सर, इनके ऊपर और भी इस तरह के कई अपराध है बताया जा रहा है कि और भी मोबाइल राहगीरों से छीनते थे। हाँ, ये राहगीरों से छीनते भी थे और चोरी भी करते थे, तो हमारे यहाँ इनके खिलाफ कई अपराध कायम हैं, चोरी के भी हैं और ये तो लूट का है ही मामला थे। सर, अन्य और भी थाना क्षेत्रों में कोई जानकारी भेजी गई इनके बारे में पूछता? हाँ, रेडियो मैसेज किया गया है, जैसे अभी हमने आरोपियों का PR ले रखा है और अन्य थानों में मैसेज किया है, अगर वहाँ से अगर इस प्रकार के अपराध की सूचना मिलती है तो वो लोग भी पूछताछ कर सकते हैं। सर, इनका बैकग्राउंड आया कि किस तरह के लोग क्या करते हैं? ये बैकग्राउंड एक तो ये काजी की चाल और गोमा की फेल के रहने वाले हैं, जो कि स्लम एरिया है, तो वहाँ तो ये आदतन अपराधी ही हैं। आपका नाम? मेरा सब इंस्पेक्टर राम कुमार।